अब यहाँ पे लिफ्ट भी चालू हो गई, पहले चालू नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ का पत्थर तो सबसे अलग ही है। तो यहाँ पे पत्थर रखे हुए पता नहीं है क्यों रखे हैं, किसी से पूछना पड़ेगी यहाँ पे क्यों रखे हैं ये पत्थर। पता नहीं क्यों रखे हैं, किसी से पूछते हैं अभी हम। सब जमा के रखे हुए हैं पत्थर। पैदल यात्रा ख़त्म नहाने के लिए, पहले उस जगह पे पहुँच जाते थे नहाने के लिए। अभी यहाँ फोटो बनवा लो, फोटो अब काफ़ी लोग हैं। पानी का बहाव इतना तेज है यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा नहाने के लिए। पहले तो लोग वहाँ तक पहुँच जाते थे नहाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं जाता, सब लोग यहीं पे नहा रहे हैं बस। नहीं समझ में आ रहा धुआं की वजह से, ऐसा कुछ आता धुआं धुआं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा सही अच्छे से। बैक कैमरे से थोड़ा अच्छा दिख रहा है बस। और घाम भी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, ज़्यादा धूप पसीना पसीना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नहा लेते हैं। घूम लिए सारे में इधर, अब चलते हैं और आगे। और आगे एक जगह और इधर घूमना है, वहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। और यहाँ पे काफ़ी लोग नहा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इधर। धुआं धुआं हो रहा था वहाँ पे, तो कुछ दिख नहीं रहा था। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सब कुछ क्लियर दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है अच्छा से क्लियर। यहाँ से एक दो फोटो भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ भी बहुत ही स्पीड में जा रहा है पानी, आवाज़ तो आ ही रही है। और ये पत्थर देखो बिल्कुल मूर्ति की तरह लग रहा है ये वाला, ऐसा कोई सी मूर्ति हो ना, ऐसा लग रहा है ये वाला पत्थर। कोई महल, कोई मूर्ति, कोई दरवाजा, ऐसे में देखिए बहुत धुआं उड़ रहा है वहाँ तो, अजीब तरह सा कटता है पत्थर देखो, अंदर अंदर कट गए, अंदर कट गए लेकिन बाहर नहीं कट हो, ऐसे लकड़ी की तरह कट रहे हैं पत्थर। हाँ तो ये क्या है, वहाँ पे सारे में धुआं धुआं हो रहा था, यहाँ से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अरे यहाँ पे क्या कुदरती पत्थर कटे हुए हैं, अरे ऐसे लग रहा है काट काट, ऐसे लग रहा है जैसे काट रहा हो कोई, लेकिन सारे पानी से ही कटे हैं, पूरे पत्थर पानी से ही कटते हैं। और यहाँ से बहकर रेत बन जाते हैं पहुँच कर वहाँ पे। शर्ट पानी ले नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी बरसात में बहता हुआ, यहाँ से जरूर पूरा कैप्चर है, पूरा मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे और अच्छा लग रहा है।
यहाँ का सबसे सुंदर व्यू है। घूमते अब यहाँ से निकलेंगे हम रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से ना नाइट में ट्रेन घर जाने के लिए, रात को मिलेगी ट्रेन 8 बजे। 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, अभी जबलपुर में घूमेंगे जब तक और कुछ देर। तो दोस्तों फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में ट्रेन अभी 8 बजे है शाम को, ट्रेन में फिर घर निकल जाएंगे दिशा के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ रेलवे स्टेशन जबलपुर वाला मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो वाला है। पहले हम आए थे तो आते टाइम तो हमें मदन महल उतरना पड़ा था, लेकिन अब मेन रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें ट्रेन मिल जाएगी शाम को, आराम से विदिशा पहुँच जाएंगे, सारी रात ट्रेन में रहेंगे। यहाँ से विदिशा काफ़ी दूर है, वैसे तो 300 किलोमीटर है, ट्रेन रूट से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा वाई वाई बंदे माता।